टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिसंबर 2021 में खाद्य और अखाद्य तेल के आयात में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में वनस्पति तेलों का आयात 12,26,686 टन रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि 2020 के मुकाबले लगभग 10% कम है। दिसंबर 2020 में वनस्पति तेलों का आयात 13,56,585 टन हुआ था। दिसंबर 2021 के तेल के आयात में खाद्य तेलों के आयात की हिस्सेदारी 12,16,863 टन रही और अखाद्य तेलों की हिस्सेदारी 9,823 टन रही। सोयाबीन तेल के आयात में काफ़ी बढ़त देखी गई है। तेल वर्ष 2021-22 के शुरुआत के दो महीनों में सोयाबीन तेल का आयात 51% ज़्यादा रहा है। वर्तमान में सोयाबीन के दामों में तेजी देखने को मिली है, जिससे प्लांट वालों को पेराई में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे सोयाबीन की पेराई में कमी देखी गई है, जिससे सोयाबीन तेल का आयात बढ़ा है। जहां सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं पाम तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। तेल वर्ष 2021-22 के शुरुआत के दो महीनों में पाम तेल का आयात 20% लुढ़का है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।